वेलकम बैक इन सिंगला कंप्यूटर चैनल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पिछली वीडियो में हमने देखा मैक्सिमम फार्मूला, एक सीखा था हमने मैक्सिमम मिनिमम इज इक्वल टू मिनिमम फार्मूला लगाया था। इसके बाद काउंट और सम हमने सीख लिया था। आज हमने सीखना है एवरेज। एवरेज निकालेंगे। यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट के और मार्क्स ले लेते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएस ले लेते हैं। इसमें 56, 36, एंटर, 35, 35, ऐसे कोई भी मार्क्स आप ले लो। 85, 26, 85, 96, 74, 25, 52, 85, 45, 65, 85, 96, 42, 53, 65। इस पे हम एसएस के सब्जेक्ट के ऊपर एवरेज निकालना सिखाती हूँ आपको। इज इक्वल टू ब्रैकेट शुरू एवरेज। इसमें क्या फर्क है कि हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे मैक्सिमम में 3 अक्षर एम ए एक्स, फॉर्मूला क्या लगना है, जैसे इस पे एवरेज पूरा लिखना है। मैक्सिमम में 3 अक्षर लिख रहे थे, मिनिमम में काउंट पूरा लिखा था, एवरेज भी पूरा लिखना है। इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज ब्रैकेट शुरू, जैसे हमने पहले किया था ब्रैकेट। चाहे तो हम सेल नंबर लिख सकते हैं I2 से लेके I20 21 तक, चाहे तो हम इसकी रेंज भी बना सकते हैं। मैंने इसकी रेंज बना ली, इसके बाद ब्रैक बंद की, ये आपकी एवरेज निकल गई। एवरेज क्या होता है, जो आपकी टोटल जो फिगर्स हैं, जैसे 20 फिगर्स हैं, उन सबका टोटल डिवाइडेड बाय 20 जितनी है काउंट करके, तो वो एवरेज होती है आपकी, उसको एवरेज कहते हैं। तो इसने एवरेज निकाली है। और क्या सीखेंगे आज, एक हम परसेंटेज निकालना सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। हम क्या करते हैं यहाँ पे, ऑब्टेंड मार्क्स जो बच्चों ने ऑब्टेंड किए हैं सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, जैसे सूरज शर्मा ने सारे सब्जेक्ट्स के अंदर कितने ऑब्टेंड किए हैं, पहले वो निकालते हैं। हमने ऑब्टेंड मार्क्स निकालेंगे, ऑब्टेंड मार्क्स निकालते हैं, एंटर। यहाँ पे मैंने ये पहले भी बताया था, जैसे ऑब्टेंड मार्क्स है जो आपका कट रहा है ना, तो क्योंकि नेक्स्ट सेल में जो मैं अगर लिखूंगी टोटल मार्क्स लिख रही हूँ, तो क्या होता है आपका ये शो नहीं हो रहा कि ऑब्टेंड मार्क्स। तो हम क्या करते हैं इसको, जब ये क्रॉस बनता है ना, आपका ब्लैक क्रॉस बन रहा है देखो एरो वाला, तो हम क्या करेंगे, इसको सेल को पकड़ के या तो फिर ऐसे लेके जाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे डबल क्लिक कर देंगे इसके ऊपर। मैंने डबल क्लिक किया तो अपने आप उसको जितनी सेल को चाहिए थी स्पेस उतनी स्पेस उसने कवर कर ली है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑब्टेंड मार्क्स कैसे निकालेंगे, टोटल इनका सारे सब्जेक्ट, सारे वो स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स का टोटल हो जाएगा। टोटल का हमने क्या किया था, यहाँ पे एक तो फॉर्मूला लगाया था, सम, ऑटो सम भी कर लेते हैं ना, या फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू सम ब्रैक शुरू, कहाँ से कहाँ तक, 56 तक ब्रैक बंद किया, तो इसका टोटल लग गया। एक तो फॉर्मूला सम निकालने का ये हो गया, एक क्या हो गया हमने सेलेक्ट किया ऑटो सम पे क्लिक कर दिया, तो अपने आप यहाँ पे फार्मूला आ गया। देखो फार्मूला बार के अंदर वैसे ही दिखा रहा है E3 I3, वो सेम फार्मूला जो हमने ऊपर लिख के लगाया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी सबका इकट्ठा सेलेक्ट किया, एक खाली वाला सेल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने टोटल निकालना है ऑब्टेंड मार्क्स कितने कितने बच्चों के आए हैं। सभी को सिलेक्ट किया, इसके बाद ऑटो सम पे क्लिक करती हूँ मैं, तो सबका अपने आप ये सारा टोटल आ गया। आपका किसी भी सेल में क्लिक करके देखोगे तो ऊपर फार्मूला बार के अंदर आपको फॉर्मूला शो कर रहा है, अभी इसमें ये फॉर्मूला लगा हुआ, ये फॉर्मूला। ऐसे किसी भी सेल में क्लिक करते हो तो आपको हमेशा फॉर्मूला बार के अंदर दिख रहा है, ये आपके ऑब्टेंड मार्क्स आ गए। टोटल मार्क्स हम मान लेते हैं कि हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है, तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मार्क्स हैं। तो टोटल मार्क्स कितने में से आए हैं, 500 में से। हमने यहाँ पे अलग अलग 500 500 लिख लेंगे, नहीं 500 500 लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो एरो बन रहा है या तो फिर इसको कॉपी कर लो, राइट क्लिक करके कॉपी किया, देन नीचे आपको सारी सिलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे, तब भी ये 500 500 सेम फिगर आ जाएगी।
अगर ऐसे नहीं करना है तो क्या करेंगे, एक और तरीका है, चाहे तो 500-500 लिख लो, नहीं तो फिर क्या है, माउस से ये देखो क्रॉस बना हुआ है, ब्लैक क्रॉस दिख रहा है ना, तो इसको क्या करेंगे, क्लिक करके नीचे को सारा ड्रैग कर देंगे, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप उसको आ जाना सारी जगह, 500-500 लिख दिया उसने। ये आपके ऑब्टेंड मार्क्स हो गए, प्लस किया हुआ ये टोटल मार्क्स 500 में से आए हैं। अभी हम यहाँ पे निकालेंगे बच्चों की परसेंटेज के, कितनी परसेंटेज आई है, तो हम यहाँ लिखेंगे परसेंटेज, परसेंटेज निकालते हैं। इसका फॉर्मूला स्पेसिफिक कुछ नहीं है, बट हम जो ऐसे निकालते हैं मैनुअली उसके हिसाब से देखो, कोई भी जो फॉर्मूला शुरू करते हैं ब्रैकेट से शुरू करते हैं, ये आपको बताया था मैंने, तो इज इक्वल टू ब्रैकेट शुरू। अब करना क्या है हमको, ऑब्टेंड मार्क्स, जो ऑब्टेंड मार्क्स हैं उसका सेल नंबर, डिवाइडेड जो टोटल मार्क्स हैं उसका सेल नंबर, मल्टीप्लाई 100। क्या करेंगे, चाहे तो वो सेल नंबर लिख देते हैं, जैसे J2 में हमारा ये पड़ा हुआ है, तो मैं क्या कर रही हूँ J2, करना क्या है अभी, डिवाइडेड टोटल मार्क्स, ये ऑब्टेंड मार्क्स थे आपके J2 में, डिवाइडेड कौन सा सेल है आगे, K2, K2 में आपके टोटल मार्क्स पड़े हैं जिसमें से आए हैं, मल्टीप्लाई 100, ब्रैकेट बंद देन एंटर, ये आपकी परसेंटेज शो हो रही है। चाहे तो हमने वही तरीका हर जगह पे अपनाते हैं, जैसे हमने यहाँ मैंने सेल नंबर लिखा, नहीं सेल नंबर लिखना है तो मैं क्या करूंगी, इज इक्वल टू ब्रैकेट शुरू, ऑब्टेन मार्क, सिलेक्ट किया सेल को, लिखा नहीं है सिलेक्ट कर लिया, ऑब्टेन मार्क स्लैश टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100 हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास स्क्रीन के ऊपर कहीं भी किसी सेल में नहीं है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100 लिख देंगे, देन एंटर, ये आपकी परसेंटेज निकल गई किसकी, धर्मिंदर सिंह की। तो ऐसे ही हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमने एक में निकाल लिया, चाहे तो वो अलग अलग में सभी पे निकाल लो, जैसे इज इक्वल टू हर चीज पे निकालते रहो, J4 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100 ब्रैकेट बंद एंटर, ऐसे अलग अलग सेल में निकालेंगे, नहीं तो क्या करेंगे हम फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे, एक किसी भी सेल में जो फॉर्मूला लगा हुआ है उसमें राइट क्लिक करके कॉपी किया, देन सारी पे हम क्या करेंगे पेस्ट कर देंगे, सिलेक्ट करके जहाँ तक हमको फॉर्मूला चाहिए, तो वहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, तो आप सब की ये क्या हो गया परसेंटेज आ गई। अभी आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, 71, 74, किसी पे तो ये 0.2 लगा हुआ है, 0.4 पॉइंट के बाद फिगर है, एक एक किसी पे नहीं है, तब हमको क्या करना है, सारे को सिलेक्ट करो, हमारे पास है ये इंक्रीज डेसिमल प्लेसेस या फिर डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस, हमारे पास ये स्क्रीन के ऊपर जहाँ मेरा एरो दिख रहा है वहां पे दो ऑप्शंस हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ पहले डिक्रीज कर लेती हूँ, सारी फिनिश हो जाएंगी, डिक्रीज डेसिमल प्लेसेस आपको सिंपल, अगर आपको विदाउट पॉइंट विदाउट डेसिमल परसेंटेज चाहिए तो फिर ये आपकी 71, 45 ऐसे परसेंटेज आएगी, नहीं क्या करना है, अगर हमको टू पॉइंट पे चाहिए भी, कितनी डेसिमल प्लेसेस हमें दो पे चाहिए भी, इतनी पॉइंट इतने समथिंग परसेंटेज हैं, तो क्या करेंगे सिलेक्ट करके इसको इंक्रीज कर देंगे डेसिमल प्लेसेस, इंक्रीज डेसिमल प्लेसेस, 1, 1 आ गया सब पे, 2, 2 डेसिमल इंक्रीजेस किया डेसिमल प्लेसेस मैंने, तो यहाँ पे दिखा रहा है 70.80, 45.20, 67.20 ऐसे सबकी परसेंटेज शो हो रही है, क्योंकि हमने 71.00 है, क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे हमने 71 खाली शो कर रहा था, बिकॉज इसके ऊपर पीछे कोई भी डेसिमल प्लेसेस था नहीं, पीछे कोई फिगर नहीं थी, इसलिए 71 शो कर रहा था, ये हमारी परसेंटेज होगी। आज हमने देखो हमने अब तक क्या फार्मूला सीख लिए हैं, मैक्सिमम मिनिमम काउंट, इसके बाद टोटल तो आपको कई तरह से आ गया, जैसे सेलेक्ट करके सेल नंबर लिख के ऑटो सम करके ये भी निकाल लिया, इसके बाद हमने एवरेज भी सीखी है, ये एवरेज निकली है आपकी, इसके बाद ये ऑब्टेंड मार्क्स टोटल मार्क्स लेके इसके बाद हमने क्या निकाल दिया, इनकी परसेंटेज निकाल दी। थैंक यू।